पड़ रही है ना, सर्दियां आ चुकी है। कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आप बोलोगे द विंटर हैज अराइव्ड। आप बोलोगे द विंटर हैज अराइव्ड मतलब सर्दियां आ चुकी है। सर्दियां आ रही है कैसे बोलेंगे? द विंटर इज अराइविंग। सर्दियां आ रही है, ठंड पड़ रही है ना? आपके यहाँ भी है ठंडी? यस, हमारे यहाँ भी है। कल तो बारिश थी, उसके बाद ठंड ही ठंड। अब सर्दियां पड़े तो क्या करें? हाँ, फायर सेट कर सकते हैं। देखो बिल्कुल इस तरह। क्या बोलोगे इंग्लिश में इसको? इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज सेट द फायर। प्लीज सेट द फायर मतलब आप जलाओ ताकि हम हाथ गर्म कर सकते। आगे सेट तो कर दी, अब क्या करें? आई एम वॉर्मिंग माई हैंड्स। आई एम वॉर्मिंग माई हैंड्स मतलब मैं मेरे हाथ सेक रही हूं, गर्म कर रही हूं। हाथ सेकना, आई एम वॉर्मिंग माई हैंड्स। ठंडी में कांपते हो तो क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं आई एम शिवरिंग। और उसको बोल सकते हैं आई एम थिंबलिंग। आई एम शिवरिंग या फिर आई एम थिंबल मतलब हाथ कपकपाना। बहुत ठंड है इसलिए हाथ कपकपा रहे हैं। आई एम शिवरिंग, आई एम थिंबलिंग। कहते हैं विंटर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और हाँ बेल आइकॉन बोला नहीं। एंड मास्क अप, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक